नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। तो आज साप्ताहिक भविष्यवाणी का ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है आपके लिए, जो 20 अप्रैल 2020 से 26 अप्रैल 2020 तक का है। इसमें जो पंचांग के हिसाब से कुछ परिवर्तन आ रहे हैं धार्मिक, उनकी चर्चा करते हैं। वो है 20 अप्रैल को सोम प्रदोष व्रत है, 22 अप्रैल को पंचक समाप्त हो जाएंगे, 24 तारीख को ऋषि पाराशर जी का जन्म दिवस है और 26 तारीख को अक्षय तृतीया परशुराम जी का जन्मदिन है। जो ज्योतिष की दो तीन घटनाएं हो रही है उनकी चर्चा करते हैं। 22 अप्रैल को बुध अस्त हो जाएंगे, 24 अप्रैल को सूर्य अपनी परम उच्च राशि से अपनी उच्च राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, रहेंगे मेष में पर उनके परम उच्च से वो उच्च राशि में आ जाएंगे। कालसर्प दोष जो 12 अप्रैल से चल रहा है वो इस पूरे सप्ताह भी चलता रहेगा 28 अप्रैल तक, और 24 अप्रैल को बुध अपनी परम नींद से बाहर निकल जाएंगे। तो ये ज्योतिष की कुछ घटनाएं थी और वो जो आपको पहले बताई। एक और विशेष चीज जो अभी अभी मैंने बताई हुई थी कि कालसर्प दोष चल रहा है जो सारी की सारी लग्नों पर लागू रहेगा। ठीक है, चर्चा में लेते रहेंगे कि किसी पर थोड़ा कम किसी पर थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये चलेगा सब पर। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। एक और विशेष बात है कि ये सारी जो भी मैं ज्योतिष करता हूं वो लग्न के हिसाब से करता हूं। आप सभी कृपया अपनी लग्न से देखें, राशि से ज्योतिष करने का नियम अलग है, वो थोड़ा सिस्टम अलग होता है, लेकिन मेरी सारी ज्योतिष करने का ढंग लग्न के हिसाब से। तो आप सभी लग्न से देखें तो ज्यादा अच्छे और शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न की स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है पर ज्यादा अच्छी नहीं है। सिर से संबंधित थोड़े तनाव, ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायत, आंखों से संबंधित कोई दिक्कत देखने में आ सकती है, हाथ पैरों में दर्द, थका थका सा रहना, अनईजी फील करना, मसल्स की कोई समस्या आना, ये सारी बातें इस दौरान देखने में आ सकती है, हमें इसका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। भाषा अच्छी है, कुटुंब के साथ तालमेल का योग अच्छा है, व्यवहार कुशलता ठीक है, तर्क शक्ति सामर्थ्य ये ठीक है। छोटे भाई बहनों से तालमेल को लेकर स्थितियां थोड़ी अच्छी और थोड़ी खराब, अपने किए हुए प्रयासों का पूर्ण फल प्राप्त होने का योग नहीं है। पहले 4 दिन ज्यादा दिक्कत है लेकिन अभी भी दिक्कत चल रही है। सुखों का योग एवरेज से अच्छा है, इसमें पहले 2 दिन थोड़ा कम है लेकिन आखिरी के 5 दिन की स्थितियां ज्यादा शुभ इसमें मालूम देती है। तो सुख है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी, नॉलेज गेन करने के हिसाब से इसमें अच्छा योग बनता है। संतान सुख की स्थिति बेहतरीन अच्छी है, इनिशियल एजुकेशन की बातें अगर हम प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, अकल की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। सामर्थ्य और तर्क क्षमता बहुत अच्छी है, पढ़ा लिखा होना अलग बात है, तर्क क्षमता होना अलग बात है, ये दोनों स्थितियां पे बिल्कुल ठीक ठाक है। शत्रु पक्ष की स्थिति कमजोर है, अच्छी बात है, मतलब शत्रु कम रहेंगे, एक तरीका ये बात को कहने का। वैवाहिक जीवन का सुख और तालमेल की स्थितियां एवरेज के आसपास, ज्यादा खराब नहीं पर कुछ थोड़ी खींचतान सूर्य के लगन में और सूर्य की अपनी नीच दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण देखने में आ सकती वो ठीक है। जीवन स्तर धन संग्रह का योग बिल्कुल एवरेज है, भाग्य की स्थिति थोड़ी कमजोर है, जीवन स्तर ऑन दी ओर ठीक है, आमदनी के कुछ नए सोर्सेस पर विचार किया जा सकता है जो जरूर बनेंगे, खर्चे थोड़े से ज्यादा। तो मेष लगन का एक ऑन दी होल सिचुएशन देखें तो ठीक ही है, ज्यादा कुछ खराब इन परिस्थितियों को देखते हुए जो चल रही है ठीक ही है। वृषभ लगन की बात करते हैं, सेहत व्यक्तित्व पर्सनैलिटी रुतबा अच्छा, भाषा में कठोरता और तीखापन, अपनी कड़क भाषा से भी बहुत सारे काम निकालने का योग बनेगा। थोड़ी बहुत दिक्कत गले से संबंधी देखने में आ सकती है, थोड़ी बहुत दांतों की जॉइंट्स की थायराइड जैसी या कमर दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती है, उसके लिए सजग रहने की जरूरत है। प्रयास कभी बनते लगेंगे कभी नहीं बनते लगेंगे, मतलब प्रयासों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है, उसके लिए भी हमें थोड़ा सजग रहने की जरूरत पड़ेगी। सुखों का योग ज्यादा अच्छा नहीं है, हायर एजुकेशन की स्थितियां थोड़ी सी खराब हैं, माता जी के साथ तालमेल विचार मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। संतान सुख की स्थिति इनिशियल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां करें तो ये थोड़ा डिस्टर्ब चलने वाला है। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, पत्नी के साथ या वैवाहिक जीवन के सुख की स्थिति एवरेज से बहुत अच्छी है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन राहु केतु के दृष्टि काल जिसे हम कहते हैं पाप कर्तृ योग के कारण ज्यादा अच्छी नहीं है, तो छोटी मोटी दिक्कत यहां देखने में आ सकती है। भाग्य की स्थिति बहुत सुदृढ़, जीवन स्तर की स्थिति बहुत अच्छी, आमदनी का योग थोड़ा कम, कुल मिलाकर शुक्र के लिए
वृषभ की बात करते हैं तो ये स्थितियां काफी सुकून भरी हैं, ऐसी कोई बहुत फिक्र की बात यहां पर नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन की स्थिति यह है कि लग्न के स्वामी ही अपनी नीच राशि में, तो लग्नेश का अपनी नीच राशि में होना शुभ नहीं है, यह अच्छी स्थिति नहीं है। लग्न में राहु बैठते हैं और राहु नवांश में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, तो कुल मिलाकर सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, बोली भाषा, व्यापार स्थितियां थोड़ी कमजोर यहां पर देखने में आएंगी। वैवाहिक जिंदगी डिस्टर्ब है, संतान के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी कमजोर है, प्रयासों का फल मिलने का योग एवरेज है, पर छोटे भाई बहनों के साथ या भाई बहनों के साथ तालमेल का योग अच्छा बनता है। तो मिथुन के लिए स्थितियां खराब हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। उम्र की स्थितियां ठीक हैं बस, लेकिन कुल मिलाकर भाग्य कमजोर है, स्टेटस को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, आमदनी को लेकर दिक्कत आ रही है, सेहत को लेकर के भी दिक्कत है, वैवाहिक जिंदगी को लेकर भी थोड़ी सी समस्या। तो मिथुन वालों के लिए ये सप्ताह कोई खास शुभ नहीं जाएगा, थोड़ा टफ है। कर्क की बात करते हैं तो कर्क लग्न के लिए स्थिति जो रहेगी वो ये कि जो लग्न के स्वामी है वो तीन बार अपनी राशि बदलेंगे, मीन, मेष और वृषभ। तो मीन में भी स्थिति ठीक है, मेष में भी ठीक है, तो स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे होगा, हर दो दिन बाद स्वास्थ्य में कुछ कम या ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा, यानी कभी स्वास्थ्य अच्छा सा होता लगेगा खराब। डॉक्टरों की भागदौड़ थोड़ी बनी रहेगी, थोड़ा से खर्चे ज्यादा होंगे, खर्च का फायदा होता नहीं दिखाई देगा, ये सब चीजें देखने में आई। पैतृक संपदा, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी हैं, इसमें समस्या नहीं है। भाई बहनों के साथ तालमेल का योग थोड़ा एवरेज रहेगा, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सुखों की स्थिति एवरेज से ज्यादा अच्छी है, मतलब कितनी भी परिस्थितियां खराब हो लेकिन सुख बने रहेंगे, बहुत ज्यादा बहुत तकलीफ हो जाएगी ऐसा कोई योग नहीं है। इसके बाद जो स्थिति आती है वो ये कि संतान पक्ष की स्थितियां अच्छी हैं, वैवाहिक जीवन की स्थितियां एवरेज एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है तो खराब भी नहीं है, जीवन स्तर एक एवरेज एवरेज हालत में। तो कुल मिलाकर कर्क के लिए थोड़ा ठीक है, पहले से ठीक है, पर स्वास्थ्य थोड़ा अभी भी नाजुक है, स्वास्थ्य के लिए ना थोड़ी फिक्र करने की आवश्यकता अभी भी होगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। लग्न के स्वामी सूर्य ही बहुत मजबूत हालत में है, तो सेहत, व्यक्तित्व, आमदनी, ये सारे मुद्दे बहुत अच्छे रहने हैं। बोली भाषा थोड़ी गड़बड़ होगी, गले से संबंधित थोड़े तनाव देखने में आ सकते हैं, पथरी जैसा, यूरिन इन्फेक्शन जैसी छोटी मोटी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। अपने घर से दूर होने की कोई गुंजाइश हो सकती है, हायर एजुकेशन को दिक्कत देखने में आ सकती है, तो ये छोटी छोटी कुछ समस्याएं देखने में आई, लेकिन कुल मिलाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का बड़ा सुंदर योग रहेगा। संतान पक्ष की स्थितियां काफी कमजोर रहेंगी, तो संतान से संबंधित इनिशियल एजुकेशन, अगर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां करें तो उसका योग कमजोर है, वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन नए आमदनी के सोर्सेज, अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व को बढ़ाने के बहुत से मौके मिल सकते हैं, स्थितियां अच्छी हैं। तो सिंह लग्न के लिए स्थितियां अच्छी हैं, बहुत बढ़िया। कन्या लग्न की बात करते हैं। अब कन्या लग्न की स्थिति यह है कि जो स्वामी है वही अपनी नीच राशि में चले जाते हैं, स्वामी का इतना कमजोर होना उचित नहीं है, ये खराब स्थिति है। तो भाव ये निकला कि जीवन में मौके तो मिलेंगे, परिस्थितियां भी दिखाई दे रही हैं सप्ताह भर में, लेकिन स्वास्थ्य की खराबी के कारण या उनका सही उपयोग नहीं कर पाने के कारण अच्छा भाग्य होने के बाद भी कोई बहुत मजेदार स्थिति यहां पर नहीं आ रही। तो कन्या लग्न के लिए सही मौके पर सही डिसीजन नहीं लेने के कारण कुछ दिक्कतें देखने में। वैसे भी लग्न से पांचवें घर में शनि बैठते हैं, जो अपने आप में एक शुभ स्थिति नहीं होती, तो ये एक साधारण स्थिति है, थोड़ा खराब है, थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता है, ज्यादा अच्छा नहीं है। तुला लग्न की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छी स्थिति है, कोई खास तकलीफ नहीं है, पढ़ाई के हिसाब से, लिखाई के हिसाब से, सेहत, व्यक्तित्व, तो माँ बाप के साथ तालमेल का योग अगर हम देखें, भाग्य की स्थिति को देखें तो ले देकर एक भाग्य की स्थिति बहुत कमजोर है। सेहत ठीक है, व्यक्तित्व ठीक है, बोली भाषा, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां, अपने प्रयासों के फल, जीवन स्तर, पढ़ाई लिखाई, लगभग सब कुछ ठीक चल रहा है, लक उतना साथ नहीं दे रहा। थोड़ी बहुत इसमें हम लोग कहते हैं मेमोरी माइनर गड़बड़ करती है, याद किया हुआ याद नहीं रहता, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कह लो, स्ट्रेस ज्यादा लेना, तनाव ज्यादा महसूस होता है, अनइजी फील करते हैं, अकेलापन महसूस हो सकता है, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं, सजग रहना। वृश्चिक लग्न की स्थिति ज्यादा छीन नहीं, राहु का आठवें घर में होना यहां कोई खास शुभ योग नहीं बता रहा है, प्रयास बहुत करेंगे उसके रिजल्ट भी आएंगे। व्यवहार ठीक नहीं है, बोली भाषा ठीक नहीं है, गुस्से पर काबू नहीं है,
इसकी वजह से कुछ समस्याएं देखने में आई, संतान के साथ भी तालमेल में दिक्कतें देखने में आई। अपने घर से अलग रहना, अलग जाना का योग बन सकता है, इसका भी एक तनाव देखने में आएगा। वैवाहिक जिंदगी का हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। आंखों की परेशानियां, खासतौर पर सीधी आंख में कोई दिक्कत देखने में आए, ऐसा हो सकता है। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन भी देखने में आ सकता है। कमर दर्द या डिस्क की जैसी दर्द जैसी समस्याएं या मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती हैं, इसके लिए हमें सजग रहने की बहुत आवश्यकता होगी। ये वृश्चिक की स्थिति हो जाती है। इसके बाद अब बात करते हैं धनु की। धनु की स्थिति अच्छी है। जो स्वामी है वो ही अपनी नीच राशि में और नीच भंग भी बना रहे हैं, पर्वोत्तम भी, तो एक एवरेज स्थिति यहां पर बन जाती है। सेहत के हिसाब से, वैवाहिक जिंदगी के हिसाब से स्थितियां खराब, संतान पक्ष के हिसाब से बहुत अच्छी, ज्ञान पढ़ाई लिखाई के लिहाज से स्थितियां काफी अच्छी हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो धनु की स्थिति सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, सुखों के हिसाब से एवरेज, वैवाहिक जिंदगी के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से एवरेज, संतान पक्ष के हिसाब से बहुत अच्छी, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बहुत अच्छी, शत्रु पक्ष के हिसाब से बहुत अच्छी, भाग्य के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी। तो धनु की स्थितियां मिली जुली हैं, लेकिन अच्छे की तरफ ही योग ज्यादा हैं, खराब की तरफ थोड़े कम। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न में सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से स्थितियां बहुत अच्छी हैं, रुतबा बहुत अच्छा है, संतान पक्ष की स्थितियां बहुत सुंदर हैं, बहुत सुदृढ़ हैं, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब जो समस्या आती है वो वैवाहिक जिंदगी में एडजस्टमेंट को लेकर देखने में आएगी। आपको किए हुए प्रयासों का फल शायद उतना सुंदर ना मिले इस पूरे सप्ताह जितना आप उम्मीद कर रहे हो, ये एक समस्या। भाग्य का उतना सहयोग यहाँ पे नहीं मिलता दिखा, लेकिन कुल मिलाकर आमदनी के हिसाब से देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, संतान के सुख के हिसाब से, माता पिता के सुख के हिसाब से देखें, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के हिसाब से देखें, स्थितियां बहुत सुदृढ़ है। तो कुल मिलाकर मकर के लिए सप्ताह की स्थितियां कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं, शायद सारी लग्नों में सबसे अच्छी है। जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है वो भाग्य को लेकर आएगी। इसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि आप सिर्फ भाग्य के सारे ना रहे, अपने कर्म को करने पे ज्यादा दबाव डालें, इससे आपको जल्दी फल प्राप्त होगा। कुंभ की बात करते हैं। कुंभ लग्न की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आमदनी बिल्कुल नहीं हो सकती। ले देकर एक फायदा ये होगा कि सुख का योग भाग्य योग अच्छा है, यानी भाग्य की कृपा से दाल रोटी का थोड़ा बहुत प्रबंध होगा, पर आमदनी की स्थितियां कमजोर हैं, बोली भाषा का हिसाब किताब अच्छा नहीं है, कुटुंब जनों से सहयोग मिलने का योग नहीं है, एफर्ट्स का रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे। संतान पक्ष की स्थितियां सही मौके पर सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य भी गड़बड़ा रही है। तो कुल मिलाकर ज्यादा अच्छा योग यहां बन नहीं रहा है, एक एवरेज एवरेज स्थिति है। जीवन स्तर ठीक है, लेकिन कोई बहुत लाभ होता हुआ नहीं दिखेगा। तो हमें क्या सुख मिला? धन की स्थिति एवरेज हो गई, सुखों की स्थिति काफी अच्छी है, भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान की स्थिति बहुत कमजोर, किए हुए प्रयासों का रिजल्ट ना के बराबर, खर्चे बहुत ज्यादा, आमदनी कम। तो रिजल्ट कुल मिलाकर यह कि थोड़ा मामला खराब है, थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा, खर्चों को संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आमदनी और खर्चों के बीच में थोड़ा गड़बड़ झाला है। अभी बात करते हैं आखिरी लग्न मीन लग्न की। लग्न के स्वामी की स्थिति और लग्न में बैठे ग्रह की स्थिति दोनों ही कमजोर है, तो बहुत अच्छा हिसाब नहीं है। सुखों के घर में भी राहु देवता विराजमान है तो अच्छा नहीं, सिर्फ आपको अपने प्रयासों से सफलता का योग बनता है। अर्थ ये निकला, अगर आपके प्रयास ज्यादा मजबूत हैं, आप हिम्मत से सारी स्थितियों को देखते हैं, तो आप इतनी विकट परिस्थितियों में भी आमदनी सृजन कर सकोगे। पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये आ रही है कि सुखों की स्थिति खराब है, संतान के साथ तालमेल की स्थिति खराब है, वैवाहिक जिंदगी की स्थिति खराब है, पर भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। तो भाग्य की स्थिति अच्छी है और प्रयास करने की स्थिति अच्छी है और कुटुंब के साथ तालमेल की स्थिति अच्छी, इन दो तीन चीजों के सहारे पूरी की पूरी कुंडली को संभाला जा सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़े सजग रहें, थोड़े खर्चों को संभालें, थोड़ी अपनी सेहत को संभालें, तो आराम से सप्ताह निकल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा चिंता न करें। टफ वक्त है, थोड़ा शांति से ही निकालना पड़ता है। सभी लग्नों पर चर्चा हो गई है, किसी विशेष उपाय की यहां आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप अपनी कुंडली दिखाने के संबंध में संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9582113929। हमारे इस कार्यक्रम के संबंध में आप कोई कमेंट करना चाहें जरूर करें। मैं
एक नए तरीके से कार्यक्रम देने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कहानी सुनाकर उस कहानी के माध्यम से फिर ज्योतिष पर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कि कहानी अगर ये कह रही है तो उन ज्योतिष में उसे कैसे देखें। मुझे उम्मीद है आप मेरे उस प्रयास को सम्मान देंगे, देखेंगे। हर मंगलवार को वो कार्यक्रम दिया जाएगा आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।